पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में भी सरकार ने कुछ मील के पत्थर गड़े हैं। आज मैं मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी माननीय विधायक के क्षेत्र में जाता हूं तो वहां से एक सकारात्मक जवाब आता है। जवाब इस बात का आता है कि साहब हमारे यहां ये पर्यटन केंद्र है, ये मुख्यमंत्री सेवकता योजना के अंतर्गत बन रहा है और कल एक बिल यहां पे पास इस माननीय सदन ने पास किया है जिसमें एक सहभागिता योजना भी लेकर के आई है पर्यटन विभाग, जिसमें किसी भी पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए आधा पैसा अगर माननीय विधायक अपनी निधि से दे रहा है तो आधा पैसा सरकार उसके साथ जोड़ेगी और माननीय विधायक की संस्तुति पर वहां पर पैसा दिया जाएगा और ये कार्य हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन 17 के पहले मानबिंदों की पुनर्स्थापना का खर्च नहीं होता था, 17 के पहले विरासत के प्रति सम्मान का भाव ये नहीं था, उनको विरासत की चिंता नहीं थी 17 के पहले, 17 के पहले चिंता थी कब्रिस्तान की, 17 के पहले चिंता किसी अच्छे पर्यटन केंद्र के रूप में किसी चीज को विकसित कर सके उसके बारे में चिंता हो ये नहीं थी। आज महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश 17 के पहले डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूरिज्म में काफी पीछे था, सुरक्षा दंगों के कारण कोई आना भी नहीं चाहता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है सारे आंकड़ों को तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच चुका है। प्रयागराज में हुए भव्य और दिव्य कुंभ को हर व्यक्ति जानता है, तीर्थ विकास परिषदों का गठन करके हम उन तीर्थों के उनके भव्य स्वरूप को उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वैभव को संरक्षित करते हुए उसको विकसित करने का कार्य भी कर रहे हैं। इसमें ब्रज तीर्थ विकास परिषद भी है, विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद भी है, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद भी है, अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद भी है, सुख तीर्थ विकास परिषद भी है, देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद भी है, नेमिस का भी है। ये सभी तीर्थ विकास परिषदों के गठन की कार्यवाही को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और पर्याप्त धनराशि इन सभी कार्यों के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर उपलब्ध करवाया है।